Students, I am Mohsin Khan and I am going to teach you units and dimensions. ठीक है, ये chapter बहुत important है और बहुत basic भी है. Units और dimension में हम पहला topic start करेंगे physical quantity. ठीक है, तो physical quantity को हम समझते हैं कि क्या है. So let me write physical quantity. इसको मैं एक example के लेकर समझाता हूँ. Let me consider a statement. And that statement is, let's say, I am very happy. ये मैंने कोई statement consider कर लिया, ठीक है? अब हम इसको analyze करके definition बनाते हैं कि physical quantity क्या होती है, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि I am very happy, तो क्या मैं इस happiness को बोल सकता हूँ कि मैं 1 kg happy हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता. तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ शायद कि मैं 100 meter happy हूँ. ये भी नहीं बोल सकता, right? तो मैं शायद ऐसा बोल पाऊंगा कि मैं लेट्स से 50 seconds हैप्पी हूँ. क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं इनमें से कोई भी हैप्पीनेस का मेजरमेंट ले सकता हूँ? तो आंसर होगा कि नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि हैप्पीनेस मेजर करने के लिए हमने कोई मेजरमेंट टूल बनाया ही नहीं, या फिर कैलकुलेशन करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया ही नहीं, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो हैप्पीनेस है, दिस हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, सिमिलरली यदि मैं बोलूं कि फियर, मैं बहुत डरा हुआ हूं, ठीक है, और फ्राइटेंड लिखना चाहिए मुझे, हम इसको चेंज कर लेते हैं. लेट्स से आई एम वेरी सैड. ठीक है, तो फिर से सैड एक इमोशन हो गया जिसको हमने कोई मीटर बनाया नहीं, या फिर कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, राइट? सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी अ फिजिकल क्वांटिटी. यानी कि कोई भी ऐसा इमोशन जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते या फिर मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी से बाहर हो जाता है. ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस. यदि कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो 10 kg इंटेलिजेंट है या फिर 20 degree Celsius इंटेलिजेंट है, राइट? क्योंकि उसके लिए कोई हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं जो इसको मेजर कर सके या इसको कैलकुलेट कर सके. अगेन मैं रिपीट करे जा रहा हूँ कि जो मेजर भी होना चाहिए और कैलकुलेट भी होना चाहिए, ठीक है, वो दोनों हम यहाँ पे नहीं कर सकते. तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑल आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है. ठीक है, तो फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कोई बोले कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसका मैं डिफरेंस समझाते चलूं. मैंने एक स्केल लिया, मीटर स्केल लिया, और मैं उससे इस बोर्ड की जो विड्थ है ये मेजर कर रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने मेजर किया और इसकी मैंने लेंथ भी मेजर कर ली. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी विड्थ और इसकी जो लेंथ है ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, क्योंकि दोनों को हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये पूछूं कि इसका, इस बोर्ड का एरिया कितना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये जो मेजर्ड लेंथ है और ये जो मेजर्ड लेंथ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि इसका एरिया क्या है. क्लियर है? सो आई होप कि तुमको समझ आ गया होगा कि मेजर करना और कैलकुलेट करना में दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो फिर से वही फिजिकल क्वांटिटी पर आ जाते हैं कि अब इसको डिफाइन करेंगे क्या होती है. सो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, ये तो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं थी, तो अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या. यदि मैं इस 1 kg को ध्यान से देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक मास की, मास का मेजरमेंट हो गया. कैसे मेजर किया होगा हमने? हमने वेइंग मशीन में रख दिया होगा, तो वहां से पता चल गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है 1 kg का था. तो हम बोल रहे हैं कि इसका मास इज इक्वल टू 1 kg. दिस मास लेट्स से इज इक्वल टू 1 kg. तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो मास है ये फिजिकल क्वांटिटी है. सिमिलरली यदि मैं इस लेंथ की बात, इस 100 मीटर की बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने शायद लेंथ मेजर करी हो या डिस्टेंस मेजर करी हो, राइट? जो कि कितनी आ रही है? 100 मीटर. अब इसको मेजर कैसे किया होगा? इसको मैंने मेजर किया होगा मीटर स्केल से, या हो सकता है मेरे पास कुछ इंच टेप हो. क्लियर? सिमिलरली इसकी बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं टाइम है फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मैंने मेजर करके 50 सेकेंड लिख दिया.
अब कोई बोले कि सर टाइम कैसे फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, इसको तो हमने टच कर ही नहीं सकते। मास को हम टच कर सकते हैं, लेंथ को हम मेजर करके टच कर सकते हैं, राइट, लेकिन टाइम को तो हम टच ही नहीं कर सकते। तो याद करो अपने फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन करी है, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या फिर जो मेजरेबल क्वांटिटीज हो, या फिर कैन बी कैलकुलेटेड। ये कंडीशन होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी की, क्लियर है। तो इस वजह से ये सारी क्वांटिटीज जो है दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और ये जो क्वांटिटीज है दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मैथमेटिकल टर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसका जो टर्म जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, लेट्स से क्यू इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली हम मास ले सकते थे, लेंथ हो सकता था, टाइम हो सकता था, तो हम एक जनरलाइज टर्म लेके चल रहे हैं कि क्यू, क्यू इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड के टर्म में और यूनिट के टर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट का जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, क्लियर है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लें, जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यदि मैं मास को मेजर करूँ, लेट्स से 1 kg आया है, तो यहाँ पे जो 1 है ये 1 हो गया इसका मैग्नीट्यूड और केजी हो गया इसका यूनिट, ठीक है। ये यूनिट जो है हमने चूज करी है, हमने सेलेक्ट करी है, इसके बदले ग्राम भी हो सकता था, ठीक है, टन भी हो सकता था, मैट्रिक टन भी हो सकता था। सिमिलरली लेंथ या डिस्टेंस को देखें तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 100 मैग्नीट्यूड हो गया और मीटर इसकी यूनिट हो गई, क्लियर। अगेन ये जो यूनिट है ये हमने सेलेक्ट करी है, ये सेंटीमीटर भी हो सकती थी, मिलीमीटर भी हो सकती थी, नैनोमीटर भी हो सकती थी, किलोमीटर भी हो सकती थी, क्लियर। टाइम को देखें, टाइम में भी अगेन इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड विच इज 50 और हमने जो यूनिट सिलेक्ट करी है वो सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे हम सेकेंड की जगह कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते थे, आर भी हो सकता था, मिनट भी हो सकता था, मिली सेकेंड भी हो सकता था, क्लियर है। सो ये यूनिट का सिलेक्शन हमारे ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। इसको देखें हम ध्यान से, इस फॉर्मूले पे अपन थोड़ी और बात करें, हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट से स्मॉल एन से, ठीक है, और यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं यू से, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं कि लेट से हम एक रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हैं, मान लो कि एक रॉड है, इसको हमने मीटर स्केल से मेजर किया और लेट से ये 30 मीटर आया, बहुत लंबी रॉड हो गई, 30 मीटर लंबी रॉड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो 30 है ये 30 बेसिकली लेंथ का मैग्नीट्यूड है, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई लेंथ, 30 हो गया उस लेंथ का मैग्नीट्यूड और मीटर हो गया उसका यूनिट, क्लियर है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को 30 मीटर के मामले में दिया, बहुत ऑब्वियस है, कोई नई बात नहीं है, हम बस उसको कैटेगराइज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 30 यूनिट मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर उसकी यूनिट हो गई। मैं इसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, मैं यदि यूनिट को चेंज करना चाहूँ, लेट्स से मैं मीटर की जगह सेंटीमीटर करना चाहूँ, तो 30 मैंने ऐसे ही लिखा। अब मैं जानता हूँ कि 1 meter होता है 100 centimeter के इक्वल, ये कन्वर्जन यदि नहीं पता हो तो याद कर लेना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 centimeter, 100 centimeter हो गया, ठीक है। 100 को बाहर कर देते हैं, इट इज 3000 centimeter, ठीक है। तो अब हमने जो यूनिट सेलेक्ट करी है वो कौन सी है, यह है सेंटीमीटर वाली यूनिट, किसकी यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है। तो जो सेंटीमीटर वाली यूनिट है इसको अब ये दूसरी यूनिट होगी, मीटर से तो बिल्कुल अलग है, राइट। अच्छा, यूनिट हमने जब चेंज करी तो उसके सामने जो मैग्नीट्यूड थे वो भी बदल गए, देखो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 3000 हो गया, यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, लेकिन अब भी ये क्या है, अब भी ये वही लेंथ है, बस हमने इसका थोड़ा फॉर्म बदल दिया, समझ आया। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से इस 30 को मैं n1 मान लेता हूँ, क्योंकि हमने अभी बोला था कि मैग्नीट्यूड को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट को u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स से
ये एन वन बोल दिया मैंने और एम को मैं बोल देता हूँ, लेट से यूनिट है तो यू वन, क्लियर। यहाँ पे इस लेंथ को मैं फिर से इसको बोल देता हूँ लेट से 3000 को एन टू, और इस सेंटीमीटर वाले को मैं बोल देता हूँ लेट से यू टू, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ ये लेंथ और ये लेंथ दोनों एक ही तो है, राइट। तो क्या हम इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एन वन एन टू है, सॉरी एन वन यू वन है, वो एन टू यू टू के इक्वल होना चाहिए, क्लियर। यहां से मैं क्या दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड उसका यूनिट पर्टिकुलर यू वन होगा, एन टू कोई दूसरा मैग्नीट्यूड टाइम्स दूसरी यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल पॉइंट, क्लियर। यहाँ पे 30 मीटर था जो कि 3000 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बदला 30 से 3000 हो गया, तो यूनिट भी मीटर से सेंटीमीटर हो गई, समझ आ गया। तो क्या हम इसको देखकर, इस एक्सप्रेशन को देखकर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि n मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि n और u का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। n इनटू u इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर n जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया या न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और ये u क्या है, इट इज अ यूनिट, ठीक है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि n जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी कम इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से मेरे पास एक मास है 2 kg का, राइट। यहाँ पे मैंने जो यूनिट चूज करी वो केजी है, किलोग्राम। यदि मैं इसको ग्राम में लिखूं सो इट मस्ट बी इक्वल टू 2 × 1000 ग्राम, राइट। इट विल बी 2000 ग्राम, राइट। तो यदि हम यहाँ पे बात करें केजी के साथ में जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और ग्राम के सामने जो मैग्नीट्यूड है वो 2000 है, तो यहाँ पर कौन सी यूनिट बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली ये वाली जो यूनिट है केजी, ये बड़ी होनी चाहिए इस ग्राम से, क्लियर। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा आ रहा है एज कम्पेयर टू ग्राम वाले का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे हम बोल भी सकते हैं कि जो 1 kg है या फिर केजी है बेसिकली 1000 times ग्राम, दिख रहा है यहाँ पे कौन बड़ा है, राइट। केजी इज 1000 times ग्राम, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये हमने लिखा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एक रेशियो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, एग्जाम्पल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये 10th में बेसिकली पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। अब यदि मैं यहां पे बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की, जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड में होगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड में होगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में जो होगी वो भी मीटर पर सेकंड में ही होगी, राइट। यदि हम ये चूज करें कि मीटर पर सेकंड हम दोनों की यूनिट लेंगे तो दोनों से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, राइट। वी हैव मेजर्ड, वी हैव कैलकुलेटेड सम वैल्यू, राइट। सो इट मस्ट बी अ फिजिकल क्वांटिटी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी। अगेन ये 9th में पढ़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये रेशियो एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी, हम कह सकते हैं कोई भी एक स्केलर वैल्यू ले लो, कोई भी एक स्केलर वैल्यू है, दीज आर
कॉल्ड फिजिकल, दिस आर ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, सो स्केलर क्वांटिटी इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, डिस्टेंस, और मास, टाइम एक्सेट्रा, क्लियर। और क्या हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये इसके फॉर्म्स हो सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से ये एरेज कर दे रहा हूं, में जो पहला टाइप है, दैट फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो दूसरा टाइप है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, अगेन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज ही है जिनका टाइप हम बता रहे, तो मैंने फिजिकल हटा दिया, क्वांटिटीज लिख दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझेंगे ये फिजिकल क्वांटिटीज ही है, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होगी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो। जैसे मैं बात करूं किसी ऑब्जेक्ट का मास, लेट से इस मार्कर का मास लेट से 10 ग्राम है, ठीक है, तो ये 10 ग्राम टाइम के साथ डिपेंड नहीं करेगा, राइट, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मास कॉन्स्टेंट है और वो किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, क्लियर। तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्लियर। दूसरी तरफ देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी सारी क्वांटिटीज जो दूसरी दूसरी फंडामेंटल या फिर दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, दिस आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका एग्जाम्पल लेते तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मास, ठीक है, क्योंकि मास किसी और दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं कर रहा इन ऑर्डर फॉर इट टू बी डिफाइंड, ठीक है, इसके डेफिनेशन के लिए कोई दूसरी वैल्यू हमको लग नहीं रही है। सिमिलरली लेंथ भी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी है फंडामेंटल क्वांटिटी। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, एक्चुअली हम इसका टेबल भी बनाएंगे लेकिन वो उसको हम अलग ही रखें, अभी टेबल को बाद में बनाएंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या हो सकता है, पहले उसको समझते हैं फिर उसको बात उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज नोटिस करो कि मास को मेजर करने के लिए मेरे पास वेइंग मशीन है, ठीक है, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास लेट्स से स्केल है, और टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मेरे पास थर्मोमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोटिस करें कि इन सभी चीजों को मेजर किया जा सकता है, राइट। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर मेजर कर रहे, कैलकुलेट नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने डिफरेंस पहले बताया था कि मेजर में हम इंस्ट्रूमेंट की इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर करते हैं, और कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग दूसरी चीजों को, राइट। तो ये हो गई मेजरेबल क्वांटिटीज, जो भी होंगी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, क्लियर। डिराइव्ड की बात करें, डिराइव्ड में एग्जाम्पल देखते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल होगा एरिया, ठीक है। अब एरिया कैसे क्वांटिटी होगी, लेट्स से एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका हमने लेंथ एल मान लिया, ब्रेथ बी मान लिया, तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी एल इनटू बी,
ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे कैसे ये डिराइव्ड क्वांटिटी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने पहले लेंथ को मेजर किया, मेजर किया मतलब टेप से उसको मेजर किया होगा, ब्रेथ को भी मेजर किया, मेजर किया का मतलब समझ आ रहा है ना, मेजर किया मतलब स्केल लिया, एक एंड यहाँ रखा दूसरा एंड यहाँ रखा, पता करा कि कितना लंबा है ये इसका साइज, ठीक है। सिमिलरली इस ब्रेथ को भी हमने मेजर किया, राइट, फिर उसको फॉर्मूले में रखा एल इंटू बी करके, राइट, फिर जो मिला वो हमें क्या पता क्या मिला, एरिया। तो हमने इस एरिया को मेजर नहीं किया, राइट, हमने इस एरिया को कैलकुलेट किया, राइट, सो इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड लेंथ, राइट। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला बनाया है या फिर इसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज होगी उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर। तो इनका डिफरेंस समझ आया, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होगी जिसकी डेफिनेशन के लिए हमको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि वो क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मेजरेबल है, राइट, सो आई मस्ट राइट मेजरेबल ओनली, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, जिनके डेफिनेशन बनाने के लिए हमको किसी दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत पड़े, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, या फिर हम ये बोले कि उनको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेटेड ओनली। अच्छा, और एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, और एग्जाम्पल हो सकता है इसका स्पीड, स्पीड एक एग्जाम्पल हो गया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखे हम, इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड मान लेते हैं, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है हमें कैसे मेजर करेंगे, अगेन वी विल मेजर इट नॉट कैलकुलेटेड, एक मीटर स्केल लेंगे उससे मेजर करेंगे कितने डिस्टेंस मूव किए, राइट, टाइम को हम स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे, राइट, फिर इन दोनों के मेजरमेंट होने के बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। सो यहाँ से प्रूव होता है कि स्पीड एक कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, समझ आया।